भारत के खाते में एक और सफलता जुड़ गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से सॉलिड फ्यूल डेक्ड रैमजेट, जिसे SFTR भी कहते हैं, उस बूस्टर का सफल परीक्षण कर लिया है। इस परीक्षण के बाद भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये लंबी दूरी के मिसाइल के खतरों को पल भर में नाकाम करने में मददगार होगा। यानी कि भारत के खाते में बहुत बड़ी सफलता आ गई है। सॉलिड फ्यूल डेक्ड रैमजेट के सफल परीक्षण के बाद DRDO ने जानकारी दी कि यह परीक्षण शुक्रवार सुबह 10:30 बजे किया गया। DRDO ने बताया कि इस परीक्षण ने जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों के विश्वसनीय कामकाज का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। सुरक्षा अनुसंधान के मुताबिक SFDR बेस्ड रॉकेट मिसाइल को ध्वनि से तेज गति से बहुत लंबी दूरी के हवाई खतरों को रोकने में सक्षम बनाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके सफल प्रदर्शन की पुष्टि ITAR द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज उपकरणों से की गई है। SFDR को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं जैसे RCI हैदराबाद, HEMRL पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी SFDR के इस सफल परीक्षण के लिए DRDO को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये देश में महत्वपूर्ण मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इससे पहले हाल ही में DRDO ने उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के खिलाफ लाइव फायरिंग ट्रायल का परीक्षण किया था। बताया गया था कि 2 मिसाइलों को टेस्ट किया गया, जिसने लक्ष्य को रास्ते में ही रोककर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। MRASM मिसाइलों के जरिए 2 तरह की टेस्टिंग की गई, जिसमें पहली मिसाइल ने मध्यम ऊंचाई पर लंबी दूरी के लक्ष्य को निशाना बनाया, जबकि दूसरी ने कम ऊंचाई पर कम दूरी को। सतह से हवा में मार करने वाली MRASM संस्करण वाली मिसाइल को DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैनात किया है और इसे सेना के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।